और जनाब सब बढ़िया? नहीं मेरा भी नहीं। क्यों? अच्छा क्योंकि हमारी परवरिश खराब है। तुम्हारी भी परवरिश खराब है, देखो तुमने लाइक नहीं करी वीडियो। अरे मैं कल से इतना गुस्से में भरा पड़ा हूँ ना, इतना भरा पड़ा हूँ। बातें सुनने को मिली है फुकरा इंसान को, बुरा लगा है मुझे। मैं कहा कौन है ये लोग? जेन्युइनली अर्शद वार से निकला मेरे अंदर से। कहाँ से आते हैं ये साले? पहले लड़ते हैं, ठीक है शुरुआत कर दी, फिर जवाब मिला तुम्हें परवरिश सही से नहीं मिली, ये बड़े से बात करने की तमीज। अबे बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या, बस बैठ के सुनता रहूं मैं। अभी साले कितने लौंडे, 4 लौंडे हैं, इतनी लौंडियां हैं और सारी बदतमीजी करने पे आई हैं। मैं पलट के जवाब दे दूं तुम्हारी परवरिश खराब है, और बोलने वाला भी कौन है? पूजा भट्ट। तुम्हारी परवरिश खराब है? मैडम अगर मेरी खराब है ना तो ठीक है, अपना जैसे मत बनाओ ना, ना देखा नहीं जाएगा मुझसे। बाप बेटी पता नहीं क्या मचा रहे हैं। बात तो सही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं नाम नहीं लूंगा, बट किसी के बाप ने कहा था कि अगर ये मेरी बेटी नहीं होती मैं इससे शादी कर लेता। गेस करो किसका बाप है, मैं मान जाऊंगा तुम्हें, मैं नाम नहीं ले रहा। और वो बंदी, तुम्हारी परवरिश खराब है, मेरी बहुत खराब है, आपके कंपैरिजन में बहुत खराब है, बट यही ठीक है, आप तो मत बोलो। अरे चुप हो जाओ पापी हो, चुप हो जाओ। अबे सब के सब, अभी 3 लोग नॉमिनेट हुए, ठीक है 3 लोगों के बारे में बात है कि 3 लोगों ने बैठ के नॉमिनेशन डिस्कस कर लिया, जो मेरे को लगता नहीं है, मेरे हिसाब से बेचिंग थी। उन्होंने बस ऐसा था कि हाँ नॉमिनेशन वर्ड यूज कर लिया, या इनको निकलना है या निकालेंगे, पता क्या क्या बोल दिया, वो वर्डिंग के हिसाब से गलत हो सकता है, बट मेरे को लगता नहीं है, वो नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अगर उससे डिस्कशन करना कहते हैं तो मेरे ख्याल से फलक नाज ने बोला हुआ है पूजा भट्ट के सामने कि अगर हम करने पे आ गए तो सब निकलेंगे। मैं कहा कौन है तू? जेन्युइनली मैंने बस विकिपीडिया पढ़ा तेरा और कुछ नहीं पता। चले आलिया को तुमने झाड़ दिया कि तू पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रही है, मेरे को बंदी नहीं पता फलकनास कौन है क्या करती, मेरे को तो नाम भी पता नहीं था, मैं तो देवी का सोच रहा था। अब मुझे पता है इसका भाई जेल में था, कौन बता के गया मुझे, मुझे कैसे पता, मेरे को जानना है किसको पता इसका भाई जेल में था। मुझे ये नहीं मालूम क्यों था, क्योंकि जैसे मैंने जेल में था रो नहीं, चल चब्बे हाँ यूट्यूब तुम बताओ, मैं अपनी वीडियो देखने में लग गया यार। तुम्हें पता मैं अपनी वीडियो देखता भी नहीं, मैंने अपलोड कर दी, एक बार देखूंगा, जब तक वीडियो चलती है तब तक मैं हट देता हूँ, उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ। मैं अपनी वीडियो दोबारा देख रहा हूँ, कल की वीडियो मेरे को इतना मजा आ गया कि इसके भाई जेल में क्या मचा रहा था वो जानने से अच्छा मैं अपने आप को देख लूँ यार। साले सबके उस ग्रुप में पूजा एंड गैंग ग्रुप, बाकी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ एक ही औरत है, इसलिए मैंने नाम ही डाल दिया पूजा एंड गैंग। बाकी कौन है, किसकी ओपिनियन है, किसकी चलती है वहाँ पे, पूजा मैम। और एक तो ये बेबी का भैन की पकौड़ी जब मुंह खोलती है गंदा बोलती है, जब मैं बाय गॉड वो कार्तिक आर्यन बोला कि जब मुंह खोलती है दिल करता है कुछ मुंह में ठूस दूँ, और मैं तो उस घर में भी नहीं हूँ। कहने कहती पूजा मैम के बारे में कोई बोलेगा, अबे तू अपनी जिंदगी देखना, वैसे तेरे मुँह को ही लगना नहीं चाहता, सिंपल बोल के मेरे को बोलना है। साला इतनी बड़ी वैम्प है, मैं बोला था कोमोलिका के बाद, ये कमोले को पीछे छोड़ चुकी है। साले डेली क्या अतरंगी बन के आती है, ऊपर से लिखा सेक्सी बेब, तुम सोच रहे हो ये हाथ रीड करती है, मैं कहा गाल पे अपना पढ़ती होगी ये आईने वाज, अच्छा इसने थप्पड़ मारा इसकी राशि में ही था, अच्छा सॉरी परवरिश खराब है इसके भी। अबे साले बड़ों से बात करने की तमीज होनी चाहिए, बट बड़ों को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि बच्चों से कैसे बात करते हैं। और ये कभी किसी ने नहीं बोला ये तुझे बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है, अभी जाके मैं अपने बाबू भैया पे चिल्लाना शुरू कर दूं, मैंने एक बार बस लाउडली बोल दिया वो रोना शुरू कर गया था। अबे एक तहजीब होती है, तरीका होता है बात करने का, क्या फुद्दूगिरी मचा रखी है तुमने शो में, और साले तुमने 3 नॉमिनेट कर दिया उसके बाद नॉमिनेशन डिस्कस हुई है इतनी बार और किसी को प्रॉब्लम नहीं। बिग बॉस ये अरे बिग बॉस अपना काम खुद क्यों नहीं करते यार, साला सब ये चाहते, अरे तूने बुलाया हम आ गए इसका मतलब ये थोड़ी नौकर है हम यहाँ पे, गजब बेइज्जती है। बिग बॉस ये अरे बिग बॉस मचाते क्यों नहीं है, साले आवाज से लगता खड़ूस है। अरे मचा, थोड़ा रिलैक्स कर, ब्रीद इन ब्रीद आउट, हमें मिलनी तुझे तो मिल जाएगी, आवाज इतनी सेक्सी है तेरी।
नहीं बस ये, अरे बिग बॉस कर लो, होता खुद से भी ये चाहते हुए चुप साले, कहाँ से जीता हुआ फुकरा इंसान है गैंग ने, ठीक है? तो उनको बोला हुआ कि तुम घर का कोई काम नहीं करोगे। मैं कहा मैं अगर कोई काम नहीं करूँगा तो मुझे आकांक्षा ये कॉफ़ी बनाते हुए क्यों दिख रही है? इतने काम करते हुए दिखे मुझे, तीन लोग चार लोग हो गए अब तो, इस पे बिग बॉस कब लेगा स्टैंड? अच्छा ले ही नहीं सकता ना, क्यों? क्योंकि पूजा एंड गैंग है दूसरी साइड में। अभी यहीं पे पूजा एंड गैंग जीती होती और दूसरी साइड में फुकरा इंसान होता, बिग बॉस आ चुके होते, बिग बॉस के पिछवाड़े में आ चुकी है मिर्ची। तुम तीनों वैसे भी नॉमिनेट हो जाते। अबे तुम्हें निकालना निकाल दो ना, सीधा बोल दो कि पूजा एंड गैंग के बीच में चलाना हमें, फिर देखना है। फुद्दू गाड़ रखा सबका। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक तो सालों ने किचन के ऊपर लगा रखा है। बोलो सुबह केसरी। अरे नहीं बोलना है यार, साले मोस्टली वो किचन में बैठे रहते, ऊपर मैं पढ़ता रहता हूँ। बोलो सुबह केसरी। तुम सोच रहे हो खाना बनाते वक्त तुम्हें विमल दिख रहा है? एक तो मैं बता रहा हूँ पूजा भट्ट को विमल का एम्बेसडर बना दो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। अरे मत कर यार, इतना तो मत कर। साले बेबी का कुछ सालों ने नौकर बना दिया लेजिट। और कौन है उनके गैंग में अब? मनीषा रानी को उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया फुकरा इंसान गैंग में, जो बहुत सही डिसीजन है। वहाँ पे वैसी वो उसका मूड नहीं है। और यहाँ पे एक नोटिस करिए तुमने, जितने भी यंग लोग हैं वो आके हमेशा फुकरा इंसान गैंग ज्वाइन करते हैं और फिर बोलते हैं हाँ यहाँ पे मेरी वाइब मैच है। जब तक उनके साथ रहते नहीं, इंसान बहुत गलत है, फुकरा इंसान नहीं गंदा इंसान है, और एक बार ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छा इंसान है। साले शो के अंदर लोग बैठ के बोल रहे हैं बदतमीज है, जो लोग निकल चुके हैं वो लोग इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि अगर कोई डिजर्विंग है वो फुकरा इंसान है। घर के अंदर लोग बोल रहे हैं कि ये बंदे में परवरिश खराब है, जबकि तुम और मैं और पूरा इंटरनेट उसकी परिवार को जानता है, इज्जत करता है उसके परिवार की। पूजा एंड गैंग लगे बड़े हैं, परवरिश खराब है, परवरिश खराब है। बहन की पकौड़ी, तेरा भाई जेल में था, लड़कों से बात करने की तमीज नहीं। साली पता नहीं क्या गंदी बात बोली है इसने, फलक नाज ने, फुकरा इंसान ने उसके परिवार को लेके। मैं कहा तेरा भाई जेल में, और मैं उसके लिए भी ये बात ना बोलूं क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूं। मादर जात, गाली निकलने वाली थी मेरे से। तू ये बात बोल रही है और इसके बाद तो बोलती है मैं तेरे को इज्जत दूं, चूसे की ना तो भी ना दूं मैं। चल झूठा, अब झाड़ दिया तो मैं थोड़ा आराम से बता देता हुआ क्या। बेसिकली तो ये लोग नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो बिग बॉस ने तीनों को नॉमिनेट कर दिया, इतना तो हम कल बात कर चुके हैं। अब इसके बाद सारी फैमिली टूट पड़ी फुकरा इंसान पे, बाकी दो भी थे उस पे कोई नहीं टूटा, इस पे सब टूट गए। ठीक है, अब बंदा कोशिश कर रहा समझाने की बुझाने की कि मेरे से गलती हो गई, मान लिया मैंने, मेरे को पनिशमेंट मिल गई, ठीक है। उस पे पूजा ने एटीट्यूड दे दिया, ये सब हो गया। अब इसके बाद जिया शंकर आती है और वो समझाने की कोशिश करती है कि तुझे पूजा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। पूजा मैम मेरा ये का मैम का एका मैम, साली मैं तो भट्ट साहब भी बोलूँ तो वो भी सार्केज्म होगा उसको, मेरे हिसाब से भट्ट साहब बोलना ही ताना होगा उसको। जिया शंकर कहती कि तेरे को उस टोन में बात नहीं करनी चाहिए पूजा मैम से। मैं कहा मेरी बात सुन औरत, अगर मैं पूरे टाइम शांति से तमीज से लहजे से बात कर रहा हूँ और मैम कह के रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, जिसने मेरी परवरिश मेरे माँ बाप पे सवाल उठा दिया, मेरे एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया, उसको मैम कह दिया मैंने, तो मेरे से बड़ा तहजीबदार इंसान कोई है ही नहीं इस घर में या इस दुनिया में। साले उस जगह पे तो मैं अपना आपा खो देता, आपा को पापा बना के पीट रहा होता मैं। ये सेंस नहीं बना बट सेंस समझ गए होगे तुम मेरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जिस हर चीज की एक दहलीज होती है, जस्ट बिकॉज तू महेश भट्ट की बेटी है वो दुनिया भर के लिए होगा। इस घर में तू जितनी है उतना मैं भी हूं, जितना तेरे को हक है उतना मुझे भी है, अगर तुझे इज्जत चाहिए तो तुझे देनी भी आनी चाहिए। मेरे को बोलते वक्त ही बड़ा अजीब लगता है, रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। हाँ इज्जत, इज्जत थोड़ा दूसरे से चला जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, बस छोड़ो इतना ही बोलना है मुझे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुशा कपिला चल रहा है इंटरनेट पे, उसका डिवोर्स हो गया ना तो फिर सारे लोग उसके कैरेक्टर पे आ गए, मैं भी उसी के पे आने वाला था, आ चुका हुआ एक्चुअली मैं। बट फिर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता उसके पर्सनल लाइफ है, पर्सनल इशू है,
बट उसके पति ने उसके सपोर्ट में बोला, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पलक जो पहले निकल गई है उसका इंटरव्यू है, उसने बोला फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रही है। आलिया सिद्दीकी नवाज वाली, उसका इंटरव्यू है, उसने उसमें बोला है कि हाँ मुझे नहीं लगता उसने किसी लड़की से बदतमीजी करी, और अगर कोई जीतना चाहिए वो है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, और जिस वे से वो गेम खेल रहा है बहुत ब्रिलियंट है, और ये सब हम जानते हैं, मैंने सुना, मैं का मालूम है, अपने बाप को मसीगा। और दूसरी बात, बिग बॉस होगा अपने घर पे, मादर जो मादर जात जोत बोला था मैंने, कुछ और नहीं बोला है, ठीक है, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा वीडियो को। लाइक करो फ्रीडम, अब हो गया मेरा, अबे मैं कल से गुस्से में भरा पड़ा हूँ यार, अबे आज तो सोया भी नहीं हूँ मैं, 5 घंटे ही सोया हूँ, ठीक है, तो लाइक कर देना, कल मिलते हैं, पीस आउट।